हे हाय एवरीवन दिस इज माइंग कोठारी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वंडरफुल बैच ऑफ एस एफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर सीए फाइनल 100 मार्क्स का पूरा पेपर है सर ग्रुप वन सेकंड पेपर 100 मार्क्स का वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ग्रुप एक है एस और दूसरा है लॉ बच्चों में ये धारणा है कि ऑडिट में मार्क्स कितना भी पढ़ लो इंस्टीट्यूट वाले देते नहीं है ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते या ऑडिट का सब्जेक्ट अच्छा नहीं है सब कुछ बढ़िया है लेकिन इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करती है और आज तक ये कोई पता नहीं कर पाया तो मार्क्स थोड़े एवरेज मिलते हैं बट एस और लॉ ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें स्कोर किया जा सकता है सो इन केस अगर एफ यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिट में आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं तो एग्रीगेट या एग्जामेशन लाने के लिए एस और लॉ वाला पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा सो दिस मेक्स दिस सब्जेक्ट एक्साइटिंग एंड इसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं बहुत सारा जो पार्ट है आपका सिलेबस का उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ दिस बींग रेगुलर बैच इट डिजर्व्स द रियालिटी वाला वर्ल्ड कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिले मैं कुछ अजमशन ले कर चलूँगा कि आप इंटरमीडिएट से आगे आए हैं और आपने इंटरमीडिएट पे एफएम ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगा इंटरमीडिएट में एफएम का जब जब ज़रूरत पड़ेगी कि चलो ये कॉन्सेप्ट एसएफएम में इंस्टीट्यूट वहाँ से लेके आया तो आपने कहाँ पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था मैं ले जाके दिखाऊंगा भी सही आपको बट मैं वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगा यहाँ पे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं एफ एफ एम का जो सब्जेक्ट था हो सकता है बहुत कम नॉलेज हो आपको एफ का बस पास हो गए आगे आगे तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से उसमें चलूंगा जिसमें ये मान के चलूँगा कि आपको बहुत कम या नॉलेज नहीं है उस कॉन्सेप्ट का तो कॉन्सेप्ट बता दूंगा फॉर्मूला बता दूंगा आगे अपन बढ़ेंगे ठीक है एक तो ये चीज़ हो गया अब इसके बाद में मैं आपका इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरी की पूरी रेगुलर बैच में को समझने में और प्रॉपर अप्रोच फॉलो करने में मदद करेगा इसके बाद आपको रिवीजन या क्लास ख़त्म होने के बाद में भी क्या अप्रोच फॉलो करना है ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी असली मज़ा तो शुरू होगा जब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे सर ठीक है बट एक बेसिक चीज़ें आपको ओवरव्यू बताना ज़रूरी है तो सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देनी आपको ज़रूरी है वो है सर कि सब्जेक्ट्स क्या सब्जेक्ट में चैप्टर्स क्या क्या है आपका ये एस का पेपर है और एस के पेपर में टोटल मिला के चौदह चैप्टर है फोर्टीन चैप्टर्स ठीक है इसमें से कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर है कुछ थेरी चैप्टर है कुछ बड़े चैप्टर्स है सर और कुछ छोटे चैप्टर्स है तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ मार्किंग कर लेंगे हम इसके बाद में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा कब कब मिलेगा और क्या कहते हैं मेरा अप्रोच क्या होगा लेक्चर्स में अप्रोच क्या होगा आपको किस तरीके से पढ़ना है सब कुछ बताऊंगा पहला चैप्टर है आपका स्मॉल चैप्टर तो एस लिख दूंगा और थेरी है तो थेरी लिख दिया मैंने ठीक है तो आपके पास अगर ये होगी अभी जैसे जिस टाइम पे बैच चलेगी उस टाइम पे शायद थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये पहुंचने में बट uh, एक बार जून जुलाई ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप ये लेक्चर्स खरीदते हैं तो आपको ये ऑलरेडी मिला होगा उसमें मार्किंग कर लेना तो स्मॉल चैप्टर थेरी सेकेंड वाला आपका स्मॉल चैप्टर है थेरी प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर में मतलब इसमें से थेरी क्वेश्चन भी आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इसके बाद ये है मीडियम uh, चैप्टर बोल सकते हो बड़ा भी नहीं बोलेंगे हम और ये मोस्टली थेरी है इसमें दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है बट मोस्टली थेरी है सिक्योरिटी वैल्यूएशन बड़ा चैप्टर है लार्ज और ये प्रैक्टिकल चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है प्रैक्टिकल चैप्टर है थेरी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड नहीं है इनके अंदर भी थेरी इंक्लूडेड है इनकेस पूछा गया तो इनमें से भी थेरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट 90 परसेंट चांसेस है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके सिक्योरिटाइजेशन ये स्मॉल चैप्टर है और आपका प्योरली थेरी बेस्ड चैप्टर है म्यूचुअल फंड्स आपका मीडियम चैप्टर है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है डेरीवेटिव लार्ज चैप्टर है प्रैक्टिकल फॉरेक्स लार्ज चैप्टर प्रैक्टिकल इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्मॉल चैप्टर प्रैक्टिकल इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट आप नाम पढ़ते जाइए मेरे साथ मीडियम चैप्टर प्रैक्टिकल कॉरपोरेट वैल्यूएशन मीडियम चैप्टर प्रैक्टिकल मर्जर्स लार्ज चैप्टर प्रैक्टिकल और स्टार्टअप फाइनेंस स्मॉल चैप्टर थेरी ये सब चीज़ें मैंने आपकी यहाँ पर लिख दी कौन से छोटे छोटे चैप्टर है कौन से बड़े बड़े चैप्टर है कौन से प्रैक्टिकल से रिलेटेड है कौन से थेरी से रिलेटेड है एक बार मतलब आप इंटर से आगे ही चुके हो तो अलग अलग बच्चों का ना अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी की थेरी स्ट्रांग होती है किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखना ज़रूरी है ये चीज़ मान के चलिए अच्छा आगे चैप्टर्स के नाम एक बार देख लेते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिक्योरिटाइजेशन म्यूचुअल फंड्स डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन फॉरेक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशन और स्टार्टअप फाइनेंस ये चौदह चैप्टर हो गए इसके बाद वेटेज भी दिया हुआ है कि ये जो पहले दो छोटे चैप्टर है उसमें पाँच से दस परसेंट टोटल मार्क्स का पूछा जाएगा ये वेटेज एक्चुअल ऐसा ही आएगा ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट भी क्लैरिफाई करता है कि हमने वेटेज आपके रेफरेंस के लिए दिया है ज़रूरी नहीं है हर बार इतने ही मार्क्स का इन दोनों में से पूछा जाएगा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है टोटल पेपर जो आता है वो 120 मार्क्स का आता है ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ उसमें से 100 मार्क्स का आपको सॉल्व करना ज़रूरी होता है ठीक है तो ये जो 5 से 10 परसेंट है ये लगेंगे सर 120 पे ठीक है चलिए दस परसेंट भी मान के चले तो तकरीबन बारह मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं इसके बाद तीन चैप्टर का सेकंड सेक्शन बनाया इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये तीन चैप्टर उस पर बीस से तीस परसेंट का वेटेज दिया है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चैप्टर इनफैक्ट मैं बोलूँगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पूरे सब्जेक्ट में छोटे छोटे है काफ़ बट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थोड़ा आपको यहाँ से डिफिकल्टी लेवल फील होना शुरू होगा सिक्योरिटाइजेशन काफ़ी छोटा सिक्योरिटाइजेशन म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव्स इनका एक ग्रुप बनाया जिस पे 20 से 25 परसेंट मार्क्स डालें ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको चैप्टर बाकी इजी है फॉरेक्स में बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा और कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा लेकिन कन्फ्यूजिंग होगा जरूर ये फॉरेक्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो क्वेश्चन कम है लेकिन जितने भी क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इस पर भी देखो इन्होंने 20 से 30 परसेंट दिया है यानी कि सेक्शन टू और सेक्शन फोर पे सबसे ज़्यादा वेटेज है उसके बाद सेक्शन थ्री और फिर धीरे धीरे वापस कम हुआ कॉरपोरेट मर्जर्स मर्जर्स भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आठ से दस मार्क्स कम से कम पूछे जाएंगे मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और एक आखिरी चैप्टर है स्टार्टअप फाइनेंस छोटा चैप्टर है रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड है आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स खोल रहे हैं उसी के बारे में जानकारी इसके अंदर आपको पता चलेगी पाँच से दस परसेंट यानी कि एक चार मार्क्स का क्वेश्चन तो कन्फर्म है सर इसमें थेरी का कन्फर्म है आएगा ठीक है ये हो गया आपके चैप्टर्स के बारे में आपको जानकारी अब मेरा क्या सजेशन है मेरा सजेशन यही है कि जो छोटे छोटे चैप्टर है उसको स्ट्रांग बना लेना इतना स्ट्रांग बना लेना कि कुछ भी पूछा जाए मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो जैसे ही आप छोटे छोटे चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स मैं आपके गारंटीड कन्फर्म कर देता हूँ आज ही चार मार्क्स इसमें पूछे जाना कन्फर्म है ठीक है ये भी छोटा है इसमें चार से आठ मार्क्स का आएगा थेरी आई आए तो चार प्रैक्टिकल आया आए तो आठ ठीक है इसके बाद ये बहुत इजी जाएगा इसके बाद ये भी बहुत इजी जाएगा आपको इसके बाद ये बहुत इजी जाए इजी जाएगा तो इतने चैप्टर्स छोटे हैं ये मैक्सिमम अगर आप कर लो तो चार आठ और चार बारह बारह और चार सोलह सोलह और चार ही मान के चलते हैं बीस और चार चौबीस चौबीस में से और चार हटा दो ट्वेंटी मार्क्स तो आपके गारंटीड है सर कितना भी हो जाए ये छूटने नहीं चाहिए क्योंकि कम समय में बीस मार्क्स आपको कवरअप करने हैं पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट बोलता है चालीस मार्क्स इंडिविजुअली आना ज़रूरी है और एग्रीगेट में पचास आना ज़रूरी है हमारा टारगेट रहेगा सर एट्टी से नाइन्टी तक के मार्क्स हमको आने चाहिए इस हिसाब से तैयारी करेंगे पूरी तैयारी करवाऊंगा ठीक है उसमें अब मैं पासिंग मतलब गिरी से गिरी हालत में भी बात करूं तो बीस मार्क्स तो कहीं नहीं जाते और बाकी के ट्वेंटी मार्क्स तो एफर्ट्स लगाने के बाद आएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका वेटेज हो गया सेक्शन वाइज वेटेज अब आते हैं सर सेकंड वाला पार्ट है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है पेपर का तो उस अप्रोच को हम ध्यान में रखेंगे आगे उसके बाद मैं रेगुलर बैच से रिलेटेड किताबें और अप्रोच की बात करूँगा अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर तो नवम्बर टू का मेरे पास में पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई जाए दिखाई देगा वो पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है गारंटीड कुछ भी नहीं है तो देखो क्या आता है इन्होंने टोटल कितने क्वेश्चन पूछे सर हमसे छः क्वेश्चन पूछे सौ मार्क्स का मैक्सिमम पेपर होगा मतलब सॉल्व आपको मिलेंगे तीन घंटे का समय दिया गया है क्या लिखा है ध्यान देना आंसर्स टू क्वेश्चन आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर द कैंडिडेट्स है फॉर हिंदी मीडियम छोड़ दो क्वेश्चन नंबर वन इज कंपलसरी मतलब किसी भी हाल में क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो कंपलसरी है छोड़ नहीं सकते और क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं बता सकता तो इसका मतलब आप अगर मेरे को पूछोगे कि सर इन चौदह चैप्टर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कर दो और बाकी चैप्टर में छोड़ दूँ तो चलेगा क्या बिल्कुल भी नहीं चलेगा छोटा से छोटा चैप्टर हो या बड़ा से बड़ा चैप्टर हो सर सारे कवर करना जरूरी है इसके बाद कोई भी चार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाकी पाँच में से टोटल पाँच क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि बीस मार्क्स के रहेंगे तो हंड्रेड मार्क्स का आपका ऐसा बन जाता है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है बाकी पाँच क्वेश्चन बीस बीस मार्क्स के हैं जिसमें से चार सॉल्व करने हैं तो अस्सी ये बीस ए सौ मार्क्स ऐसे होंगे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर वन में ये ए पार्ट आया आठ मार्क्स का उसके बाद बी पार्ट आया आठ मार्क्स का और सी पार्ट आया चार मार्क्स का ए बी सी आठ आठ सोलह और चार बीस कंपल्सरी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर वन में पाँच पाँच मार्क के चार क्वेश्चन डाल दे कंपल्सरी बीस मार्क्स तो उनको कंप्लीट करने इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में देखो ए है आठ मार्क्स का बी है आठ मार्क्स का और सी है चार मार्क्स का तो क्वेश्चन नंबर वन और टू का पैटर्न सेम आया इसमें सेम आया है लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री ए देखो सात मार्क्स का है बी अगर आप देखोगे तो वो दस मार्क्स का है दस और सात सत्रह और सी देखोगे तो तीन मार्क्स का है यानी यहाँ पे ए बी सी तो पैटर्न सेम रहा लेकिन मार्किंग बदल गई तो आठ आठ चार आठ आठ चार और अब आया सात दस और तीन ठीक है क्या सर अब सात दस तीन कंटिन्यू होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है सर क्वेश्चन नंबर फोर ए देखो बड़ा क्वेश्चन है तो बारह मार्क्स डाल दिए बारह मार्क्स का ये हो गया बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो रहा बी पार्ट दे दिया चार मार्क्स का सी पार्ट दे दिया चार मार्क्स का बारह चार सोलह और चार बीस तो मार्किंग कुछ भी हो सकती है लेकिन सारे क्वेश्चन में अभी तक एक चीज़ कॉमन थी ए बी सी ए बी सी और नॉर्मली सी वाला जो क्वेश्चन है वो उन्होंने थेरी में दिया है यहाँ थेरी में दिया अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी थेरी में दिया और पहले वाले क्वेश्चन में भी देखोगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ भी थेरी में दिया हाँ पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने प्रैक्टिकल दिया है सी वाला पार्ट तो मोस्टली थेरी है इसका मतलब क्या हुआ सर कि आपका थेरी का कोई अलग क्वेश्चन नहीं है जिसको ऑप्शन में छोड़ दोगे थेरी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते या तो सेकंड क्वेश्चन या तो थर्ड क्वेश्चन या तो फोर्थ क्वेश्चन इन तीनों में से दो तो सॉल्व करना कंपलसरी है और दोनों सॉल्व करना कंपलसरी है तो थेरी भी सॉल्व करना कंपलसरी हो गया ओल्ड सिलेबस में ऐसा हुआ करता था प्रैक्टिकल के सारे अलग क्वेश्चन होते थे थेरी के अलग क्वेश्चन होते थे तो बच्चे क्या करते थे थेरी का क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ के आ जाते थे अब इंस्टीट्यूट ने चालाकी करी कि प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल और थेरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और थेरी ऐसे करके क्वेश्चन बनाए ठीक है अब पांचवा देखते हैं हम पांचवे में ए पार्ट है आठ मार्क्स का बी पार्ट है आठ मार्क्स का और सी पार्ट वापस से थेरी चार मार्क्स का सेम पैटर्न छठवे में ए है आठ मार्क्स का बी है आठ मार्क्स का सी पार्ट फिर से थेरी चार मार्क्स का तो इस पूरे पैटर्न को देखते हुए आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि पहली बात तो रूल थम रूल कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूट का जो मन हुआ वो दे सकते हैं लेकिन 80% परसेंट ऑफ द टाइम आपको ये पैटर्न देखने मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो आएगा कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसके तीन पार्ट रहेंगे ए बी और सी तीनों पार्ट में मार्किंग नॉर्मली इस तरह से होगी हालांकि बदल सकती है कुछ कुछ मार्किंग हमने देखी लेकिन मैक्सिमम मार्किंग ये थी इसके बाद ये पार्ट प्रैक्टिकल होगा ये प्रैक्टिकल होगा और ये थेरी होगा ऐसे करके आपको कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से पाँच क्वेश्चन आपको टोटल सॉल्व करना है थेरी अवॉइड नहीं कर सकते तो देर इज नो अदर ऑप्शन बट टू स्टडी दैट थिंग एक तक क्लियर कर दिया मैंने आपको यह हो गया सर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पैटर्न जो पेपर आता है वो तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें बता दी थोड़ा रिलैक्स रहिए कोई वो नहीं है <coughs> आपको मैंने वेटेज बता दिया आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा अब अपनी बैच की बात करते हैं अभी तक तो मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात कर रहा था कि क्या क्या इंस्टीट्यूट कवर कर रहा है अब अपनी बैच की बात करते हैं सर कि आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा <coughs> बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पॉइंट पर समझना ज़रूरी है तो दिस इज द फर्स्ट अप्रैल सेकंड अप्रैल आई थिंक टुडे वी आर आई एम रिकॉर्डिंग्स आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस 2021 तो so, सबसे पहले ये जो बैच है ये बैच अगले दो साल के लिए अप्लीकेबल है नवंबर 2021 मई 2022 नवंबर 2022 मई 2023 थाउजेंड वेल नवम्बर ट्वेंटी वाले भी बच्चे इसको ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नाइन्टी कोर्स सेम रहेगा जैसे जैसे एक एक खत्म होते जाएगा मैं चीज़ें अपडेट करता जाऊंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता जाऊंगा मोबाइल में आपने अभी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव या मोबाइल इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लिया होगा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल लिया है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लिया है तो जितना आपको अभी रेगुलर बैच में मटेरियल मिल रहा है वो सारा का सारा लैपटॉप में आप फ्रीली देख सकते हैं फ्रीली मतलब पैसे दिए हैं आपने उस चीज़ के देख सकते हैं एक बार वैलिडिटी ख़त्म हो गई दूसरा या तो आपका अपडेट आया ये दोनों चीज़ें सर आपको सिर्फ मोबाइल में मिलेगी वैलिडिटी खत्म होने के बाद एक्सटेंशन जब आप कराते हो कि सर मेरे को एक्सटेंड कराना है डेढ़ दो साल बाद दो साल का कोर्स ले लिया आपने एक साल का कोर्स ले लिया उसके बाद आपको एक्सटेंड कराना है तो एक्सटेंशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल लेकिन वो एंड्रॉयड में एक्सेस मिलेगा आपको उसके बाद अपडेट जितने भी आएंगे हर अटैम्प्ट के बाद में एक एक अटैम्प्ट के क्वेश्चन इंक्लूड करने पड़ेंगे वो आपको दो तीन घंटे पाँच घंटे दस घंटे मैक्सिमम रहेगा वो भी एंड्रॉइड में मिलेगा ठीक है एक इतनी क्लैरिटी आ गई एक चीज़ याद रखो सर मैं जब तक आप पास नहीं होते तब तक मेरा साथ है आपको तब तक आपके पास वीडियोस का एक्सेस किसी न किसी तरह से मिलता जाएगा एक्सटेंशन के नॉर्मली पैसे कम रहते हैं या कभी कभी फ्री रहता है तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा पैसे बहुत कम रहेंगे अगर रहेंगे भी तो रेगुलर बैच में आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा सबसे पहले तो आपको सर कंपाइलर्स मिलेगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है जो 70-80 परसेंट बोल सकते हो आपके 80 से 84 परसेंट मार्क्स कवर करेगा ये किताबें मार्केट में अलग से खरीदने के लिए भी अवेलेबल है तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अलग से भी खरीद सकते हैं ठीक है इसके अंदर कवर क्या क्या होता है सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल का हर क्वेश्चन कवर्ड है स्टडी मटेरियल बोलो प्रैक्टिस मैनुअल बोलो पास्ट एग्जाम पेपर बोलो आर टी टेस्ट पेपर होते हैं मॉक टेस्ट पेपर होते हैं और बाकी आई थिंक आपको आर टी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं आप इंटरमीडिएट से आगे आए हो तो आपने गो थ्रू किया ही होगा वो चीज़ तो ये सारी चीज़ें कवर्ड है क्वेश्चन आता है सर अदर में क्या है ये भी अदर क्या है सर अदर कौन सा मटेरियल होता है कई बार इंस्टीट्यूट ऐसे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल में डाल के रखता है जिस पे कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया तो ऐसे क्वेश्चन मेरे को फिर कहीं और इंटरनेशनल ऑथर की बुक से सी एफ ए की एग्ज़ाम से सी डब्ल्यू ए की एग्ज़ाम से दूसरे एग्जाम से या दूसरे मटेरियल से लाना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है तो अदर मटेरियल के भी क्वेश्चन कुछ कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेंगे मैक्सिमम दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन एंड आंसर इसमें क्वेश्चन भी मिलेगा और आंसर भी मिलेंगे अच्छा मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ सेकेंड एडिशन की कंपाइलर की थर्ड एडिशन आपके लिए अप्लीकेबल रहेगी जो आप ये बैच ले रहे हैं अभी मेरे पास में वो बुक फाइनल final हो फाइनलाइज हो रही है थर्ड एडिशन तो प्रिंटिंग पे जाएगी और प्रिंटिंग पे जाने के बाद पंद्रह दिन बाद मेरे पास में आएगी तकरीबन पाँच हज़ार से छः हज़ार क्वान्टिटी हम लोग प्रिंट करने वाले हैं जो कि नवंबर अटैम्प्ट तक खत्म हो जाएगी ऐसा मेरे को लग रहा है एक ये किताब है सर कंपाइलर में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कुछ दिख रहा होगा मतलब ग्रीन स्क्रीन की वजह से ठीक है और दूसरा ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगी ये इसका कलर एक्चुअली ग्रीन है ग्रीन कलर है यहाँ पे इसीलिए आपको ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन ना वो ऐसा दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सा क्योंकि ग्रीन ग्रीन हट जाता है तो इसका ये दो किताबें रहेगी आप मोटापा देख सकते हो इसका इन दोनों से मोटी ही रहेगी आपके पास जो किताब आएगी इन दोनों से मोटी ही रहेगी क्योंकि इनमें पांच सौ क्वेश्चन इंक्लूडेड है और उसके बाद आई थिंक मैंने सौ के आसपास क्वेश्चन और डाल दिए हैं इसके अंदर में जो नए आए थे ठीक है तो ये हो गया मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ <coughs> नहीं, 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 नहीं। ये रहा आप देख सकते हो ये है एक कंपाइलर ठीक है मॉड्यूल वन रहेगा इसके अंदर में कुछ म्यूचुअल फंड तक सात चैप्टर तक इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे और वो दूसरी कंपाइलर उधर में ग्रीन वाली ये दो कंपाइलर आपको आएगी ये सबसे मोटी बुक रहेगी आपके सारे बुक्स में इसके अंदर में होता क्या है मैं आपको एक बार झलक भी दिखला देता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड करना है तो बच्चों को पता होना चाहिए खरीदने के पहले कि वो क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं क्या पैटर्न रहने वाला है एवरी तो ये वॉल्यूम वन हो गया इसमें कुछ इस तरह से स्टार्टिंग रहेगी पुराने एग्ज़ाम का जितना भी डिटेल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कि कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बाद यहाँ से चालू होता है सर आपका मेन मटेरियल तो कुछ इस तरह से कलर्ड रहेगा पहली बात तो चैप्टर वन रहेगा इसमें फिर ये क्वेश्चन थेरी जितनी भी है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिए है तो दैट विल बी ईजी फॉर यू हर क्वेश्चन के नीचे रेफरेंस रहेगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कौन सी जगह पे कब और कितने मार्क्स के लिए पूछा गया हर क्वेश्चन के नीचे तो ये तो फिर थेरी चैप्टर है कुछ सात आठ पेजेस में ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये सेकंड चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट ये मैं सब सॉल्व करवा चुका हूँ इसलिए रेड से आपको मार्किंग दिखेगी इसमें मैं कुछ ऐसी जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे मार्किंग ना हो या कम हो ऑलमोस्ट सब पे मार्किंग ही है ठीक है कोई बात नहीं आप ये रेड वाला पोर्शन हटा के समझ के चलो इस तरह से सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आया इसमें ये क्वेश्चन आया और ये आंसर आया यहाँ पे ठीक है इस तरह से जो भी फाइनल आंसर रहेगा हर क्वेश्चन का वो मैंने हाईलाइट किया हुआ रहेगा ताकि आपको फटाफट मिल जाए ये क्यों हाईलाइट किया है अपन एक कोई अप्रोच फॉलो करने वाले हैं पढ़ने के लिए उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस तरह से सर सारा आपका मटेरियल रहेगा आपको इसके कुछ सैम्पल पेजेस देखने हैं तो कॉन्फ्रेंज़ा की एम सी क्यू ऐप या कॉन्फ्रेंज़ा वेबसाइट में बुक सेक्शन में कंपाइलर देखोगे तो उसमें कुछ पाँच दस पेजेस मैंने सैम्पल बेसिस पे अपलोड किए हुए हैं तो यू विल गेट एन आइडिया ये जितनी भी रेड मार्किंग है ना ये तो मैंने लास्ट वाली बैच में पढ़ाया और मार्किंग करके दिया तो आ, वो किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो कि पढ़ाने का तरीका भी मेरा यही रहेगा कि हर स्टेप को हर चीज़ को मैं समझाऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे देखो पूरा पूरा कैलकुलेशन डिक्टेशन के साथ ये, ये हर एक चीज ठीक है तो एक आपको आइडिया आ गया कंपाइलर के बारे में अब बात करते हैं सेकंड सर थेरी बुक थेरी बुक लास्ट टाइम पे ये इतनी सी थी अभी श, देखता हूँ मैं या तो इतनी रहेगी या तो फिर वो इतनी बड़ी रहेगी छोटी रहेगी उसमें से सारी थेरी आपको कवर करनी है हम कवर करेंगे क्लास में उसका अप्रोच जो है टीचिंग का मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा थेरी में तो एक थेरी बुक आएगी जिसके अंदर स्टडी मटेरियल से सब कुछ उठाया हुआ रहेगा और पैटर्न बदला हुआ रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा थोड़ा बहुत ऐसा इसके बाद आपको एक और आएगी ये दो जो मटेरियल आए ना कंपाइलर और थेरी बुक इसके अंदर में सब कुछ कवर हो गया इंस्टीट्यूट का इसके बाद फॉर्मूला बुक ये ये प्योरली इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे बेस्ड रहेगा ठीक है इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे तो कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहता है एक बेहतर तरीके से तो ये दोनों बुक काफ़ी है उसके लिए अब आती है बारी फार्मूला बुक की तो जितने भी फार्मूलाज मैं स्टार्टिंग से एंड तक आपको पढ़ाऊँगा वो सारे एक जगह पर कंपाइल करके ऐसी छोटी सी मैं किताब बना दूंगा अभी तक कोई फार्मूला बुक नहीं जाती थी मेरी इस बार फार्मूला बुक जाएगी एक ऐसी छोटी सी किताब में आप देख सकते हो अगर मैं मेरे हाथ पे रखूं तो ये ऊपर की उंगली है और ये मेरा पाम यहाँ पे यहीं पे कंप्लीट हो जाती है ये किताब ठीक है या फिर ऐसा कैसे दिखा सकते हो ये लो आप कंपेयर कर सकते हो उसके बाद आएगा सर समरी चार्ट्स समरी चार्ट्स समरी में कुछ इस तरह के अच्छा ये भी येलो में है इसलिए आपको दिख नहीं रहा कुछ इस तरह के चार्ट आपको आएंगे जिसके अंदर में आ, बहुत कुछ मार्क रहेगा आपको इसमें तो फिर ग्रीन स्क्रीन की वजह से दिखेगा नहीं मैं अपने पास जो चार्ट्स हैं इसके थ्रू दिखा देता हूँ ये रहा ये ऐसे चार्ट्स रहेंगे हाँ अब आप बोलोगे सर कि यह हो सकता है डिज़ाइन बदल जाए डिज़ाइन येल्लो ही रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डिज़ाइन इसका बदल सकता है ये पुराने चार्ट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन के वीडियो के समय मेरे पास एक भी किताब आ, फाइनल नहीं हुई है सब अलग अलग काम चल रहा है एक बंदा चार्ट्स पे काम करेगा एक थेरी बुक पे काम कर रहा है एक प्रैक्टिकल पे एक कंपाइलर पे उसके बाद मैं सबको फाइनल कर रहा हूँ ऐसा तो इस तरह से चार्ट्स रहेंगे अब चार्ट्स के अंदर में क्या रहेगा सर चार्ट्स के अंदर थेरी भी बहुत कुछ रहेगी इंपॉर्टेंट वाली सारी नहीं रहेगी पॉसिबल नहीं है सारी इंक्लूड करना और फॉर्मूले सारे रहेंगे इसके अलावा समरी चार्ट बोलते हैं इसको समरी चार्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि कोई एक चैप्टर कहाँ से शुरू हो के कहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक एक चाप्टर का पूरा पिक्चर इमेजिन करने में जो ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप ये चार्ट्स पढ़ के चले जाओगे जिसको हार्डली दो तीन घंटे लगेंगे मान लो पाँच घंटे तो लगेंगे पूरा पढ़ने के लिए अच्छे से तो भी आपका पूरा मटेरियल कवर हो जाएगा वो भी सिर्फ चौदह पन्नों में मतलब इसकी विथ बस इतनी सी है और ये चार्ट का साइज़ भी कोई बहुत बड़ा नहीं है ये देख लो मतलब इतना आएगा ठीक है इसके बाद समरी चार्ट के बाद में अच्छा आपको अप्रैल एंड से स्टार्टिंग में ये एक दो तीन चार स्टार्टिंग के जो एक दो तीन चार ये तो मिल जाएंगे इसके बाद आती है कॉन्सेप्ट बुक और ऑल्टरनेटिव आंसर्स कॉन्सेप्ट बुक का मतलब मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँगा फॉर्मूलेज आपको समझाऊँगा डेरीवेट डेरीवेशन निकालेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से उसकी हिस्ट्री क्या है तो ये सारी चीज़ों का एक मैं साथ साथ में बैच के साथ साथ में अलग से लिखता जाऊँगा और आखिरी में बैच खत्म होने के आखिरी में उसको प्रिंट करवा के आपके घर भिजवा दूंगा तो ये बुक आपको अभी नहीं आएगी ये बाद में आएगी और ये मैं एडिशनल दे रहा हूँ मान के चलिए कि मतलब ये एक्चुअल में इंक्लूड करनी नहीं चाहिए थी बट अब बच्चों की रिक्वेस्ट है तो मैंने सोचा चलो लिखना तो है ही रेगुलर बैच में तो उसको इकट्ठा करके मैं बाद में आपको एक बुक बना के भेज दूंगा तो मे बी इसकी फॉर्मेटिंग उतनी अच्छी ना हो बात आती है ऑल्टरनेटिव आंसर पे कि सर ये क्या है ये समझा दो कंपाइलर में क्वेश्चन और आंसर दोनों है इंस्टीट्यूट के आंसर भी इंस्टीट्यूट का है लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट एमबीग्यूएस आंसर देता है गलत आंसर भी दे सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में या आंसर सही है लेकिन अननेसेसरीली लेंगदी स्टेप जो समझ नहीं आती बच्चों को वो फॉलो की हुई है तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के ऑल्टरनेटिव आंसर्स मैं साथ साथ में बनाते जाऊंगा आपको पढ़ाते समय लिखवाऊंगा आपको बकायदा क्लास में कॉपी में ऑल्टरनेटिव आंसर और इन सबको इकट्ठा करके इसका भी प्रिंट आउट मैं आपके घर पर भिजवा दूंगा तो आखिरी में आपको कॉन्सेप्ट बुक और ऑल्टरनेटिव आंसर आएंगे अगर आपने जब लेक्चर्स खरीदे आपको ये दो किताबें नहीं मिली इसका मतलब ये आखिरी में आएगा एक बार आप मेल डाल के छोड़ सकते हो हाँ ये तीन चार चीज़ें आपको एक साथ आ जाएगी अगर इसमें से भी कुछ नहीं आया तो आप मेल पर बात कर सकते हो स्टाफ से तो ऑल ओवर आपको इतना आएगा ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई चलो ये दो चीज़ें कुछ दो चीज़ें नहीं है कॉन्सेप्ट बुक ऑल्टरनेटिव आंसर और फार्मूला बुक जो आज के एक सेकंड आज के पहले मैंने किसी को भी नहीं दी अब ध्यान देना अब बात करते हैं सर टीचिंग अप्रोच की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस पे आप डिसाइड करोगे कि मयंग सर क्या और कैसे और अच्छा या बुरा जो भी पढ़ाने वाले अब ये आप पे है मैंने अपना तरीका बताना है मेरा मेरे बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सर मैं एस पढ़ा रहा हूँ दो चौदह से 2014 से 2020 कंप्लीट हो गया 21 शुरू हो गया मिड 21 भी मान लो ख़त्म ही हो गया पूरा तो हो चुके हैं छः सात साल हो गए एस पढ़ाते हुए बहुत अलग अलग तरीकों से मैंने पढ़ाया है कई बैचेस में लिखा लिखा के पढ़ाया कई बैचेस में बिना लिखाए भी पढ़ाया कई बैचेस में आधा लिखा के आधा नहीं लिखा के भी पढ़ाया कई बैचेस में थेरी छोड़ के पढ़ाया कई बैचेस में प्रैक्टिकल पूरा का पूरा सॉल्व कराया बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए बट जब बच्चा क्लास ख़त्म होती है तब बहुत बार तो अच्छा ही बोलता है कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हो आप ये करते हो वो करते हो बट जब आप बच्चे को देखते हो कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें भरी है तब थोड़ी सी निराशा होती है बहुत सारे बच्चे तो कर लेते हैं और ये सिर्फ मेरी क्लास के नहीं हर क्लास के साथ में है इसीलिए आज तक ये कहा जाता है कि क्लास लेना तो बेफजूल है आखिरी में जाके खुद को ही पढ़ना पड़ता है तो मेरा यही कहना है कि ये जो आखिरी में जाके खुद को ही पढ़ना पड़ता है इसको भी मैं कुछ हद तक ईजी कर दूँ कैसे करूँगा ये मैं आपको बताऊंगा अब बाकी सारी क्लासेस से हो सकता है आपको मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग लगे और सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आप इस पे विश्वास ना करो लेकिन ये टेस्टेड और प्रूवन अप्रोच है कहाँ टेस्ट किया सर और कहाँ कहाँ से प्रूव हुआ सेम अप्रोच मैंने फास्ट ट्रैक बैच में जो पे, इसके पहले रिकॉर्ड करी थी और मार्केट में बच्चों को दिया तो मैंने वही अप्रोच फॉलो किया और बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है अप्रोच को समरी में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मैं मुझे आप एक गाइडेंस के तौर पे लेना और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़वा के ले लूँगा आपसे पढ़वा के ले लूँगा पढ़ाऊँगा सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं पढ़वा के ले लूँगा पढ़वा के लेने का मतलब मेहनत मैंने आप ही से करानी है और यहाँ हो गया अप्रोच मेरा ख़त्म आप ही से करानी है मतलब मैं आपको ही बहुत सारी चीज़ें करने बोलूँगा और आपको करते जाना है सर आपको बस इस अप्रोच पे विश्वास रखना है और मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी देता हूँ कि जब बैच ख़त्म होगी तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आप बेस्ट फील करेंगे कि यार हाँ एस एफ एम हो गया स्ट्रॉन्ग बाकी बैचेस के कंपैरिजन में तो मेरा बस यही कहना है अगर आपको लगता है कि अप्रोच पसंद नहीं आ रही तो इसी पॉइंट पे आप रिफ़ंड ले लेना गारंटी देता हूँ मैं कि मैं रिफ़ंड भी दे दूँगा और कोई टेंशन भी नहीं मतलब आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा सर हार्ड अर्न मनी लेकिन आप मेरे साथ अगर पेशेंस रखोगे थोड़ा और अप्रोच पर भरोसा रखोगे जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ तो बैच खत्म होते होते आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर दिला दूंगा कि ये सब्जेक्ट में अब मेरे को कोई टेंशन नहीं आई होप एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स दैट कि मेरा आज के डेट में ज़ीरो नॉलेज है इस सब्जेक्ट में और ख़त्म होते होते एटलीस्ट ये तो हो कि मेरे को इस सब्जेक्ट की चिंता नहीं है बाकी देखते बैठेंगे तो अप्रोच क्या है सर अप्रोच रहेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अलग और थियरी क्वेश्चन की अलग ठीक है पहले तो मैं पढ़ाऊंगा क्या ये बता देता हूँ मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा उसमें से हो सकता है इंटर के कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को समझाने पड़ रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट पूरे समझाऊंगा लॉजिक क्या है इंस्टीट्यूट कई बार आ, ऐसी ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड करता है जो बहुत सब्जेक्टिव है बिल्कुल भी उसको समझना ज़रूरी नहीं है और समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अजम्पन्स डेरीवेशन इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों में घुसना पड़ेगा जिससे आप अपने सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाओगे तो जब मेरे को लगेगा कि यहाँ से तो सिर्फ डाइवर्जन ही पॉसिबल है कन्फ्यूजन ही पॉसिबल है ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही ऊपर ऊपर से समझ के आगे बढ़ेंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का लॉजिक डेरिवेशन के साथ समझाऊंगा ठीक है उसके बाद में रियल वर्ल्ड में शेयर ट्रेडिंग कैसी होती है फॉरेक्स का क्या होता है बहुत सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके बताएंगे ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ द योर एंटायर कोर्स इज़ नॉट एट ऑल अप्लीकेबल इन रियल लाइफ तो वहाँ सब्जेक्टिव है बोल के मैं आगे बढ़ूँगा बाकी शेयर ट्रेडिंग कैसे करते हैं करेंसी ट्रेडिंग कैसी होती है डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कैसी होती है म्यूचुअल फंड में मेरा मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है कैसे रिटर्न बढ़ता है सब कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग करके अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाके उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसका अप्रोच मैं नीचे बताऊंगा थेरी भी हम डिस्कस करेंगे उसका अप्रोच भी नीचे बताऊंगा और हर चैप्टर के एंड में हम रिवाइज़ करेंगे वो एक एक रिवीजन वीडियो हर चैप्टर का भी अगर आप आखिरी एग्जाम के पहले कर लोगे तो भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा अब बात करते हैं सर अप्रोच क्या रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कब शुरू होगा पता है मैं आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा क्लास में आपको मेरे साथ वीडियो देखना है वो और जैसे ही ये दोनों चीजें कंप्लीट हुई और हम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हुए तो अब आपको कर देना है वीडियो बंद और सिर्फ रखना है कंपाइलर आपके हाथ में कंपाइलर का वो क्वेश्चन देखो उस क्वेश्चन को ये अंडरस्टैंड हो गया मतलब आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करके देखेंगे रफ में अपनी कॉपी में सर अभी तो एक बार भी आपने सॉल्व नहीं कराया एक बार भी मैंने सॉल्व नहीं किया मैं कैसे कर लूंगा बस यहीं पे मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है सर कि कोशिश करना 600 क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करवाने वाला हूं इन 600 क्वेश्चन में 600 बार मिस्टेक्स करो चलता वही मैं चाहता हूं मेक मिस्टेक्स इवन हंड्रेड्स ऑफ देम मेक इट मैं आपसे गलती करवाना चाहता हूं यहां पे घर में बैठ के आप गलती कर लो जितनी करनी है एग्जाम हॉल में नहीं करने दूंगा मैं आपको गलती सो यू विल मेक मिस्टेक्स मैक्सिमम ऑफ देम यू विल मेक बट मेरे वीडियो देखने के पहले उस क्वेश्चन का आंसर देखने के पहले आंसर दो जगह पे मिलेगा एक तो मैं जब वीडियो में समझाऊंगा तब और कंपाइलर में भी आंसर दिया होगा लेकिन कंपाइलर का भी आंसर नहीं देखना ना आपने वीडियो देखना है आपने पहले खुद सॉल्व करना है रफ में ही सॉल्व कर लो चलो उसके बाद आप गलतियां करोगे अटकोगे थोड़ी सी निराशा होगी कि मैंने कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है होने दो तो ये तो पहली रीडिंग है सर गलतियां माफ कौन बोलने वाला है सर आके डांटने नहीं वाले आपको वहां पर घर पर मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा गर्लफ्रेंड को बताना मत गर्ल फ्रेंड कहीं किसी को नहीं पता चल रहा इट्स विद इन यू यू आर मेकिंग मिस्टेक यू आर लर्निंग इट्स ओके ठीक है बस मोटिवेशन वहाँ पे डाउन नहीं होना चाहिए बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ उसके बाद वीडियो देखो जहाँ पे भी गलतियाँ करी आपने वीडियो देखा या कंपाइलर में आंसर देखा कंपाइलर में फाइनल आंसर से मैच करके देखो वहाँ हाईलाइट किया हुआ मिलेगा आपको मैच हो गया तो एक अलग ही बूस्ट आएगा आपके कॉन्फिडेंस में कि मैंने बिना देखे करके प्रूव कर दिया उसके बाद अगर आपको गलती होती है तो वीडियो देखो समझो वीडियो देखने के बाद आपको 100% परसेंट गारंटी आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती क्यों करी क्या समझ नहीं आया था जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या जो भी गलती हुई है उसको नोट डाउन कर लो कंपाइलर के अंदर ही नोट डाउन इंप्रूवमेंट्स अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत होगी ठीक करने दो एंड डिफ़िकल्ट एरियाज़ जितना भी डिफ़िकल्ट पॉइंट लगा आप नोट डाउन करो कैसे नोट डाउन करते हैं सर मैं आपको क्लास में भी बताऊँगा जब आप वीडियो देखोगे ना उसका पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन का जब मैं वीडियो समझा रहा हूँ आंसर समझा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर और ये भी बोलूँगा कि मार्किंग करनी है सर ये तो आई थिंक दूसरा है ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ पे मैंने बताया था कि देखो ये कांस्टेंट ग्रोथ को अंडरलाइन करना और डिविडेंड पॉलिसी चेंज नहीं हुई है उसको अंडरलाइन करना तो इस क्वेश्चन में वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए अंडरलाइन करवाया ठीक है तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट करना और ये सारी प्रोसेस रिपीट करना हर क्वेश्चन के लिए बस इतना अगर आपने कर लिया मैं हंड्रेड गारंटी देता हूँ यू विल फील कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ द बैच क्योंकि आप गलतियां नहीं करते हो गलती नहीं करी कोशिश नहीं करी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आखिरी में तो इस बैच में ऐसा होगा सर इस क्लास में ऐसा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर क्लासेस कि सर के पढ़ाने के पहले आप ट्राई करोगे गलतियां करोगे फिर सर बताएंगे, फिर सर के हिसाब से आपको ठीक करना होगा इट विल टेक टाइम क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कराया होगा लेट से आधे घंटे में उस क्वेश्चन को आपको पंद्रह मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे तो दो सौ घंटे के वीडियोज़ के लिए आपको तीन सौ घंटे देने पड़ेंगे डेढ़ गुना टाइम तो टाइम तो सर इंक्रीज़ होगा लेकिन एक बार इन्वेस्ट करना है लाइफ में गलतियाँ बार बार नहीं करनी और एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करनी तो यहाँ कर लो चलेगा तो रेगुलर बैच है थोड़ा टाइम तो लगेगा सर लेकिन पेशेंस आपको रखना है ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का अप्रोच प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक और चीज़ बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 600 सौ क्वेश्चन कवर कराने मैंने और इसके अलावा आपको सही तरीके से भी कराना है रिविज़न भी कराना है थेरी भी मैक्सिमम कवर करवानी है तो ऐसे ही इसमें मैं क्वेश्चन का जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ आंसर दिया हुआ है लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं एक ही पेज पे जो होगा मैं वो ले लेता हूँ ये देखो जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा समझा उसके बाद ये हाँ ये है आंसर अब आपको ज़रा सा भी लॉजिक बनता कि ये सारी स्टेप्स मैं अलग से लिखूं नहीं तो मैं आंसर्स नहीं लिखने वाला और ये पॉइंट है ये पॉइंट पे आप या तो मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ो या तो यहाँ से रिफंड ले लो बट भरोसा करके आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस कहीं भी, भी नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी इट डजेंट मेक इवन सेंस इसमें दो फायदे होंगे आपके इंस्टीट्यूट का आंसर समझ में आ जाएगा बहुत सारे टीचर्स इवन मैं भी पहले अपने आंसर से ही पढ़ाता था उसके बाद जब बच्चा आर टी पी एम टी पी सजेस्टेड आंसर प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट का कोई भी किताब उठाता था तो उसे आंसर अजीब गरीब लगता था कि अरे यार ये तो डबल डबल काम हो गया एक क्वेश्चन के लिए इन, फैकल्टी ने अलग अप्रोच फॉलो किया इंस्टीट्यूट का अलग अप्रोच है भले ही दोनों का आंसर एक हज़ार पाँच पॉइंट नाइन छः नौ छः आ रहा है बट दोनों का अप्रोच अलग अलग है मैं क्या फॉलो करूँ इंस्टीट्यूट किस हिसाब से मार्क्स देगा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के हिसाब से मार्क्स देगा तो उनका अप्रोच समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं ये सारा अप्रोच आपको समझाऊंगा इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है तो ये चीज मैं लिखूंगा नहीं हाँ मैं कब क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जब मेरे को लगा कि इंस्टीट्यूट का ये आंसर एक तो गलत हो है कुछ कुछ आंसर्स गलत है एम है या फिर इंस्टीट्यूट ने अननेसेसरी लेंगदी प्रोसीजर फॉलो किए तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको दे दूंगा ये सारे आंसर्स आपको ऑल्टरनेटिव आंसर वाली शीट में या बुक में मिल जाएंगे एक तो ये फायदा कि आपका इसके साथ इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल पूरा कवर हो जाएगा अलग से इंस्टीट्यूट का मटेरियल फैकल्टी की किताब के बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरा फायदा मैं आपका टाइम बचा के दूंगा बहुत सारे टीचर्स और मैं भी इंक्लूडिंग जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वो आंसर लिखने में काफ़ी समय लग जाता है और वो समय घंटों में इंक्रीज हो जाता है और वो बैच हो जाती है ढाई सौ से तीन सौ घंटे की मैं कोशिश करूँगा सर सवा दो सौ घंटे में ये आपकी बैच कंप्लीट करवा दूँ सवा दो सौ दो सौ या फिर उससे भी कम क्योंकि अब मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं निकले वाला हूँ तो मेरे हिसाब से ये बैच एक सौ अस्सी घंटे के आसपास ख़त्म हो जानी चाहिए ये तो पहला वीडियो मेरे को आइडिया नहीं है उसी के आसपास आप मान के चलो तो मैं आपका टाइम बहुत बचा के दूंगा और आई डोंट थिंक सो टाइम से इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में और कुछ होगा पैसा भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है तो ये रहा अप्रोच इसके बाद आप बात करते हैं सर थेरी क्वेश्चंस की थेरी क्वेश्चंस बहुत सारे सब्जेक्टिव हैं और बहुत सारे कोई एग्जाम में आने लायक हैं तो जहाँ जहाँ मेरे को 80% परसेंट सेवेंटी परसेंट सारे थेरी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा पॉइंट टू पॉइंट इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में समझाऊँगा लेकिन थेरी क्वेश्चनस मेरे से सुन सुन के आप बोर हो जाओगे इवन मैं आपकी जगह बैठूंगा तो भी मैं थेरी सुन नहीं पाऊंगा इतनी तो मैं उसको समझाऊंगा लेकिन पढ़ना आप ही कोई है सो पिक अप अ क्वेश्चन फ्रॉम थेरी बुक अप्रोच समझ लो आप लेक्चर नहीं भी ले रहे हो कहीं से भी थेरी पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की ये अप्रोच फॉलो करो पिक अप अ क्वेश्चन फ्रॉम थेरी बुक सिंपल रीडिंग दो न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं ना उस तरीके से रीडिंग करो इसकी और तीस परसेंट समझ में आ जाना चाहिए वो क्वेश्चन सम पढ़ के तीस परसेंट मतलब अगर दस पॉइंट दिए उसमें से तीन भी समझ में आ गए ना तो इट्स ओके okay. पहली रीडिंग है तो खुद से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ कि दस के दस पॉइंट समझ में आएंगे सात पॉइंट नहीं समझ में आए दैट्स ओके इसके बाद आती है सर सीक्रेट वाली बात ट्राई टू विजुअलाइज थिंग्स जितना भी पॉइंट आप पढ़ते जा रहे हो आंखें बंद करो और सब इमेजिन करो कि अगर आपको वो दुनिया बनानी होती जो लिखा है तो वो कैसे बनाते विजुअलाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी थेरी मैं स्ट्रॉन्ग करा के दे दूंगा अगर आपने ये पॉइंट छूट गया तो आप थेरी में अटैप्ट नहीं कर पाओगे सर मैं गारंटी देता हूँ रट सकते हो रटना है तो विजुअलाइज करोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंडरलाइन करो उसके बाद या हाईलाइट करो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मैं समझा देता हूँ आपको ये है मान लो थेरी का मैं थोड़ा अलग बुक रहेगा ये पुराना एडिशन आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये है अब अगर इतना है तो लॉन्ग टर्म इस पर्टिकुलर पहले पॉइंट में लॉन्ग टर्म वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको बोल्ड करके दे दिया आप बोल्ड थोड़ी कर पाओगे आप या तो इसको ऐसे अंडरलाइन करोगे या तो आप हाईलाइट करोगे तो या तो हाईलाइट करो या तो अंडरलाइन करो करते जाओ साथ, साथ में आखिरी में बहुत काम आएगा एक बार पूरा पढ़ने के बाद में जब आप रिवीजन करने आओगे ना तो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म पढ़ोगे और आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा सिर्फ अनसर्टनटी पढ़ोगे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा इट विल लीड टू टाइम सेविंग एंड इनक्रीज इन रिविजन उसके बाद रिपीट करो सेम प्रोसीजर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पकड़ो पढ़ो विजुअलाइज अंडरलाइन एंड हाईलाइट आगे बढ़ो और इस तरह से ये तो हो गई सारे थेरी बुक की एक रीडिंग इस तरह से मिनिमम चार रीडिंग आपको कंप्लीट करनी है एग्जाम के पहले ये चीज़ ये चीज़ याद रखना एग्जाम के पहले चार रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए अब एक और बात जब आप ये बैच ले रहे हो मैं मान के चलता हूँ एटलीस्ट डेढ़ साल पहले तो एग्ज़ाम के आप बैच ले रहे हो तो हर पहला रिवीजन दूसरा तीसरा और ये चौथा एग्जाम के पहले पहले और यहाँ आप पढ़ने जाओगे तो इनमें तीन महीने का गैप होना चाहिए पहले तीन रीडिंग में पहली रीडिंग आज की तो उसके एटलीस्ट तीन महीने बाद पाँच महीने बाद छः महीने बाद दूसरी रीडिंग करनी है उसके तीन पाँच छः महीने बाद तीसरी रीडिंग करनी है तो ये तीसरी रीडिंग और चौथी रीडिंग मोस्टली मेरे को लगता है आपके आखिरी के तीन महीनों में फंसेगी और ये उसके पहले हो जानी चाहिए दो बार रीडिंग रीडिंग देना है खुद से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि याद रहेगा पॉइंट याद नहीं रखो मैं आखिरी आखिरी में बताऊंगा कि थेरी के पॉइंट याद नहीं भी रहेंगे और आप फिर भी सॉल्व कर पाओगे और लिख पाओगे एग्ज़ाम हॉल में और ये तो बिल्कुल एग्ज़ाम के लास्ट महीने में एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने के पहले की रीडिंग रहेगी तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं फटाफट कम्प्लीट हो जाएगा ये आपको फॉलो करना है सो दिस इज द अप्रोच इन थेरी क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इस तरह से सर सब कुछ हम कवर करने वाले हैं बहुत कुछ मैंने बताया आपको और ये सब चीज़ें एक, एक एक करके इंपॉर्टेंट अब जो विजुअलाइजेशन का इम, आ, मैं आपको पावर बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल की एक जमाना था जहां पे मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था ठीक है तो मेरे को बस एक चीज बताओ कि जिसने भी पहला मोबाइल फोन बनाया या ऐसा बनाया उसने क्या सोचा होगा पंखा पहले पंखे अगर नहीं हुआ करते थे ऐसे 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 करके हवा लगानी पड़ती थी किसी न किसी ने तो पहले सोचा होगा ना कि ऐसा कुछ बनाते हैं उसकी इमेजिनेशन से ये चीज इन्वेंट हुई है उसके बाद लोगों ने तो सिर्फ इसको कॉपी किया है देख के सेम चीज़ बनाना तो बहुत आसान है लेकिन जब कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको बनाना उसके लिए लगता है विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन पावर कुछ भी ये माइक ले लो किसने सोचा कि ऐसे भी कभी मैं बोलूँगा और आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होएगी मतलब इसके थ्रू पास होकर रिकॉर्ड होएगी नहीं पहले बंदे ने इमेजिनेशन उसका इमेजिनेशन पावर देख रहे हो अगर ऐसा आप कर लेते हो ना इसमें थेरी में तो आपको एग्जाम हॉल में बैठ के अपने आप चीज़ें याद आएगी अपने आप रटने की जरूरत है याद करने की जरूरत नहीं तो जो आखिरी में स्ट्रेस होता है ना कि मेरे को याद नहीं याद नहीं याद नहीं सब खत्म सर ठीक है तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन फॉर द एंटायर रेगुलर बैच पहला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आई होप आपने पूरा देखा हो आखिरी तक पहुंचे हो तभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी इन सारे मटेरियल के अलावा इन सारे मटेरियल के अलावा आपको छोटे छोटे दो तीन मटेरियल मिलेंगे जैसे मैंने ये वाला आपको बताया था ना वेटेज वाला उसके बाद में कंपाइलर के हर क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट वाली शीट भी आपको मिलेगी इसके साथ में आपके रिविजन पर्पज़ के लिए रहेगा तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत मिलेगा आपको और बाकी किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी और अमेंडमेंट um, अपडेट सारे अपडेट आपके कोर्सेज से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पे मैं डालते रहूँगा तो सबसे पहले आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सर सबसे पहले क्योंकि सबसे पहले चीज़ हर क्लास आपकी अपडेट से रिलेटेड वहीं पे आएगी यूट्यूब पे भी इतना नहीं आएगा जितना इस पर आएगा ठीक है सो दिस इज़ इट नेक्स्ट वीडियो से सर हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे पहला चैप्टर शुरू करेंगे ये थेरी है पहला चैप्टर मैं डिसाइड करूँगा या फिर बेसिक शुरू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ये वो सब चीज़ें तो देखता हूँ पहला चैप्टर क्योंकि थेरी है तो पहले मैं थेरी को थोड़ा सा ले लेता हूँ उसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होने के होंगे उसके पहले बेसिक्स वगैरह मैं आपको बता के आगे बढ़ूंगा वी आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट आई विल कीप द मिक्स कि एक साथ मैं थेरी भी नहीं पढ़ाऊंगा एक साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी नहीं पढ़ाऊंगा एक साथ रियल वर्ल्ड वाली चीज़ें भी नहीं लूँगा ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ क्योंकि कोई भी एक चीज़ मैं अगर एक साथ पढ़ाना शुरू कर दूँ तो बोर हो जाओगे आप लोग तो वो सब नहीं अपन मिक्स रखेंगे थोड़ा थोड़ा और मज़ा आएगा आप सपोर्ट करिए सर और uh, मैं गारंटी देता हूँ आपका ये सब्जेक्ट बेस्ट सब्जेक्ट आपका बना के दूंगा बाय बाय फॉर नाउ